हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी क्लास टेंथ के मिड टर्म के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा. सो आपकी उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और उसमें हेल्प करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपके क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट सेकेंड चैप्टर, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो एग्जाम में जो आपका ये चैप्टर आ रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको लगेगा कि हाँ, इस चैप्टर में आपको 90% चीज़ें आती हैं आफ्टर दिस टू वीडियोस. इस ये जो वीडियो है इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है. बैक टू फिजिक्स फैंटम, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट मीन्स की अम्ल, क्षार और लवण, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए थे और अभी भी आपके ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न आपका सीबीएसई ने चेंज किया है उसके अंदर इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और किसी भी मोमेंट पे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा. नाउ द एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चंस वगैरह बताऊँ आपको, उससे पहले आपको थोड़ा सा एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए. एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और जो सॉल्ट्स हैं लवण वो क्या चीज़ होती हैं. सबसे पहली चीज़ मैं एसिड्स के बारे में बताती हूँ. देखिए, एसिड अटैक और ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी, लेकिन इसके अलावा एज यू ऑल नो कि हर चीज़ के ना बून और बेन होते हैं. मतलब कोई चीज़ अगर बेनिफिशियल है तो उसके लॉस भी बहुत सारे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके क्या देखते हैं. लेकिन जो एसिड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एसिड्स के बारे में बताने वाली हूँ. सबसे पहला जो पॉइंट है एसिड्स का, एसिड्स को हिंदी में कहते हैं अम्ल, ठीक है. अब ये जो होते हैं ना, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर या एक्वस सॉल्यूशन का, जो इनका वाटर या एक्वस सॉल्यूशन होता है. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है कि जिसमें वाटर को डिसॉल्व किया गया है, ठीक है. तो जो इसका सॉल्यूशन होता है, एसिड्स का जो सॉल्यूशन होता है, वो टेस्ट में खट्टा होता है. सबसे पहला पॉइंट सबको पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्ल, टेस्ट में स्वाद में खट्टे होते हैं. ये पॉइंट बहुत बेसिक है. इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है लिटमस पेपर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सेकंड पॉइंट गिवन है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है. तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू कलर के लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में. अब यहाँ पे आपके पास एसिड और बेस में ना ये लिटमस वाले में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको आप मतलब अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसके बाद इसको लर्न करिएगा. रेड ब्लू इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना तो इसमें डेफिनेटली कन्फ्यूजन होती है और ये आंसर गलत हो जाता है. सो मैं एसिड्स के बारे में बता रही हूँ. सबसे पहली चीज़ है कि ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड में. इसके अलावा ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि सपोज एसिड्स हैं, ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी, हमारे स्टमक में ना एसिड बनने लग जाता है. एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को. तो एसिड हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कई बार वो एसिड का अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे एसिडिटी बढ़ने लग जाती है. तो उस टाइम पे हम उस इंसान को, उस पेशेंट को इनो देते हैं, ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा पानी में डिजोल्व करके देते हैं. तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, एसिड में जब बेस को मिक्स करा जाता है तो उस टाइम पे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो ऑब्वियसली जो एसिड है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है. इसके बाद में अब जैसे यूजेस है ना, इसके अलावा आपको इसके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए. एसिड के एग्जांपल क्या है, HCl मींस की हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके अलावा H2SO4, H2SO4 मींस की सल्फ्यूरिक एसिड. ये दो टाइप्स में प्रेजेंट होता है, डायल्यूट भी होता है और कंसेंट्रेटेड भी होता है. इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सिट्रिक एसिड. तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल थे जो कि एसिड्स में आते हैं. इनको अगर आपको लर्न करना है, जैसे कि सपोज HCl है, H2SO4 है, तो इसके लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 20 तक, कम से कम 20 तक के एलिमेंट्स को लर्न करिए जो आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है. उससे आपको सिंबल्स लर्न हो जाएंगे और ऐसे जब कोई किसी का केमिकल फॉर्मूला गिवन होगा तो आप उससे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब एसिड्स के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है बेस. बेस क्या होता है, बेस का मतलब होता है क्षार, ठीक है. इसमें जैसे कि एसिड्स में होता है कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा, सॉर, ठीक है. सेम ऐसे ही जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर. बिटर का मतलब होता है ये जो बेस होते हैं ये टेस्ट में कड़वे होते हैं. इसके अलावा जो लिटमस का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये ब्लू को रेड करता है, ये रेड को ब्लू कर देता है, कौन, बेस, ठीक है. इसके अलावा ये न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन एसिड्स को ये न्यूट्रलाइज करेगा. इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जाम्पल में, इसमें आता है NaOH. अभी मैंने आपको बताया
कि आपको 20 तक के एलिमेंट्स कम से कम लर्न होने चाहिए, तो उससे आपको इसका नाम पता चल जाएगा। जैसे NaOH, Na होता है सोडियम के लिए, O होता है ऑक्सीजन का, H हाइड्रोजन मींस की सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड OH फॉर हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बेस के मींस की क्षार के। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सॉल्ट। सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? लवण, ठीक है। अब इसमें हर बार जब भी मैं सॉल्ट्स बोलूंगी तो इसमें जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सॉल्ट पढ़ा होता है NaCl, जो कि हम घर में खाने में यूज करते हैं, जिसे कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस एक सॉल्ट के अलावा भी बहुत सारी वैरायटी के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब वो सॉल्ट जरूरी नहीं है कि हर एक सॉल्ट सॉल्टी ही हो टेस्ट में, मतलब खाते वक्त वो नमकीन ही लगे। और ऐसा भी नहीं होता कि हर कोई पानी में डिजोल्व हो जाए, जैसे जो घर में कॉमन सॉल्ट होता है उसको आप पानी में इजिली डिजोल्व कर लेते हैं। सो सॉल्ट्स क्या होते हैं? लवण होते हैं। ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस का मतलब ना ये खट्टे होते हैं ना ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। उसके अलावा इनका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसका? सॉल्ट्स का। प्लस ये डज नॉट अफेक्ट लिटमस, ठीक है, कोई लिटमस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे एसिड्स और बेस में होता है। इस तरीके से सॉल्ट्स में कोई भी लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, अच्छा और बुरा कोई भी नहीं, ना रेड ब्लू ग्रीन, कोई भी इफेक्ट लिटमस पे इसका नहीं पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता हैव सॉल्टी टेस्ट और ऑर्डरलेस, ठीक है। इनकी कोई प्रॉपर स्मेल नहीं होती, प्रॉपर फ्रेग्रेंस नहीं होती, और ये मोस्टली जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, लेकिन सब सॉल्टी नहीं होते। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं इनमें जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इजिली सॉल्युबल नहीं होते। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट है, साधारण नमक जिसको हम घर में खाने में यूज करते हैं। वन मार्कर क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके अलावा जो सेकंड जो सॉल्ट दे रखा है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है। आई होप आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट का समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है ना मेजर डिफरेंसेस हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्या क्या होते हैं। इसके बाद में जब आप अगर अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है ये इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले मुझे दो पार्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब जो थर्ड पार्ट में है इसमें हम बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का मतलब होता है Na और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, तो मिला के ये बनता है NaOH। इसका यूज किस में किया जाता है? सो इसका आंसर है कि इसका जो यूज होता है वो होता है सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग में, साबुन बनाने की प्रक्रिया में, या इस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं। इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH के अलावा भी हम कुछ और कहते हैं, उसका नाम होता है कास्टिक सोडा। ये कॉमन नेम है, ये आप सबने सुना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा जो नेम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लिख लीजिए कास्टिक सोडा। इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे बात करूं, मतलब जो कमरे का ताप होता है उसमें, ये एक वाइट कलर का ऑर्डरलेस सॉलिड होता है। ऑर्डरलेस का मतलब होता है इसकी कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं होती है, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? वाइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है? साबुन बनाने में। इसका जो फॉर्मूला है वो है NaOH। इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा होता है, और अगर रूम टेम्परेचर पे हम बात करें तो ये एक वाइट कलर का सॉलिड होता है जो कि ऑर्डरलेस होता है, मींस कि इसकी कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं होती है। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स। यहाँ पे जो मैंगो है ना वो कच्चे वाला जो आम होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ। लेमन, नींबू, ठीक है, कच्चे ग्रेप्स, ऑरेंज एक्सेट्रा, इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, मतलब कि ये टेस्ट इनका कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इनमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये खट्टे होते हैं? सो इसका जो आंसर है वो है सिट्रिक एसिड। अच्छा, सिट्रिक एसिड मींस कि जो फ्रूट्स हैं, जो पानी वाले फ्रूट्स होते हैं जिनमें खट्टापन आता है, उनमें सिट्रिक एसिड होता है। लेकिन सिट्रिक एसिड और विटामिन सी को बहुत सारे लोग ना सेम चीज मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। जो सिट्रिक एसिड है ना ये कोई विटामिन है, ना ये कोई मिनरल है, और ये हमारी डाइट में भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जब हम ये फ्रूट्स खाते हैं, जो कि हमारी डाइट में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, तो उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में चला जाता है। तो इतना मैंडेटरी नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सिट्रिक एसिड जो है ये ना मिनरल है ना विटामिन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसमें पाया जाता है? ये कुछ मैंने फ्रूट्स के एग्जाम्पल दिए हैं। अब ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, फ्रूट्स के ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि सिट्रिक एसिड कौन से फ्रूट्स में पाया जाता है, या फिर बोला जाएगा इस तरीके से फ्रूट्स को दे दिया जाएगा, उसके बाद में पूछा जाएगा कि इनके अंदर कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल प्रेजेंट है। सो आंसर इसका होगा सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका वाटर में एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है तो क्यों किया जाता है? इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल सा है कि पानी को जर्म फ्री बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए और हमारे पीने योग्य बनाने के लिए हम वाटर में ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये इसका सिंबल है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सिंबल क्या होता है? CaClO2, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर में क्या लिखा हुआ है? 2। ये ब्लीचिंग पाउडर के लिए आप केमिकल फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं और इसका यूज होता है वाटर को जर्म फ्री और बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीओपी का केमिकल नेम। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम क्या होता है? पीओपी मीन्स की प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और इसका जो केमिकल नेम होता है या इसको केमिकली हम किस तरीके से डिनोट करते हैं सो वो है CaSO4.12H2O, ठीक है, सॉरी CaSO4.12H2O। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। इसके अलावा इसके यूजेस और जिप्सम के बारे में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले उन दोनों पार्ट्स को देखिएगा। इसके बाद में इन सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लाइम जूस और लाइम वाटर, इन दोनों में से एसिडिक कौन सा है नेचर में, मतलब कि नेचर में अम्ल कौन सी चीज है, लाइम जूस है या फिर लाइम वाटर है। अगर मैं सिर्फ आंसर देने की बात करूं तो आंसर है इसका लाइम जूस। लाइम जूस एसिडिक है, अम्ल है, टेस्ट में क्या होता है? खट्टा होता है, और लाइम वाटर, ठीक है। लेकिन आंसर में आप लाइम जूस देंगे। अगर आपसे पूछा जाए इसकी वजह, रीजन क्या होता है, तो जो लाइम जूस होता है ना इसमें 5% होता है सिट्रिक एसिड, मतलब जो ये फ्रूट्स में खट्टापन होता है ना वो चीज इसमें पाई जाती है। अगर मैं वाटर की बात करूं लाइम वाटर की, तो इसमें सिंपल सी चीज, मैंने वाटर वर्ड लिखा हुआ है, इट मींस कि जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, उसमें वाटर ऐड किया हुआ है, तो इसलिए जब सिट्रिक एसिड की बात होगी या फिर कोई एसिडिक इन नेचर की बात होगी तो उस टाइम पे आप लाइम जूस को टिक करके आएंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं और जो अभी आपके मिड टर्म में एग्जाम्स होने वाले उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लस इसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने इस चैप्टर इस टाइप की जो वीडियो की सीरीज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका लास्ट और थर्ड पार्ट था, इससे पहले भी 2 पार्ट्स हैं, प्लीज पहले उनको देखिएगा उसके बाद इसको देखिएगा और भर के लाइक करिए वीडियो। थैंक यू।